हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे क्यू कार्ड के ऊपर, जो कि है टॉक अबाउट अ लाइब्रेरी दैट यू विजिटेड। फर्स्ट बुलेट पॉइंट है इसका, वेयर इज़ इट, व्हेन वाज लास्ट यू विजिटेड, टॉक अबाउट द फैसिलिटीज़। ऑलराइट, सो जो हम फर्स्ट काम करते हैं जब भी हम क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनिशियली हम देखते हैं टेंस। जैसे कि इस केस में देखते हैं, हमारे पास इस केस में एक है प्रेजेंट टेंस, एक है पास्ट टेंस, और उसके बाद उन्होंने फिर से प्रेजेंट टेंस मेंशन किया है। ऑलराइट, तो इस केस में हमारे पास टेंस है प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। ऑलराइट, सो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं टेंस का, ध्यान में रखते हैं कि कौन सा टेंस है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने पॉइंट्स बनाने। ऑलराइट, सो जैसे कि मैं पहले भी आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी क्यू कार्ड स्टार्ट करना है उसके लिए आपको पहले बनानी है बैकग्राउंड लाइन। तो चलिए बैकग्राउंड लाइन के ऊपर देखते हैं। बैकग्राउंड लाइन मैंने बनाई है, लाइब्रेरी प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन लर्नर्स लाइफ, कि जो लाइब्रेरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टूडेंट या कोई भी लर्नर है उसकी लाइफ में। वन कैन गेन एंड इन्हांस देयर नॉलेज, कोई भी बंदा अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है और इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। आई एम ग्लैड टू डिस्क्लोज माई व्यूज़ अबाउट द पब्लिक लाइब्रेरी, और मैं ग्लैड हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं अपने आइडियाज़ इसके ऊपर, पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर डिस्कस करूँगा। बेसिकली एक स्कूल में भी लाइब्रेरी होती है, वो होती है प्राइवेट लाइब्रेरी, बट मैं बात करूँगा पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वेयर इज़ इट, कि वो कहाँ पर है। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एज़ आई एम लिविंग इन अमृतसर एंड नियर माय रेजिडेंशियल एरिया देयर इज़ अ लाइब्रेरी, कि जैसे कि मैं अमृतसर में रहता हूँ एंड मेरे घर के पास या रेजिडेंशियल एरिया के पास ही एक लाइब्रेरी है। यहाँ पे मैं नेम मेंशन कर दूँगा उस लाइब्रेरी का, एक्स वाई जेड जो भी आपको पता हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। वो मैं बता दी यहाँ पे कि कब बिल्ट की थी उन्होंने, कब कंस्ट्रक्ट की थी, 50 to 60 years ago, 50-60 साल पहले बनाई थी। थर्ड मैं यहाँ पे बता दूँगा उन्हें कि डबल स्टोरी बिल्डिंग है वो, ठीक है। मतलब कि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट जो था बुलेट पॉइंट, वो कवर मैंने कर दिया है, वेयर इज़ इट। एंड अब है हमारा सेकेंड पॉइंट, When was last you visited? आप लास्ट टाइम कब विजिट किए थे, आपने लास्ट टाइम कब गए थे। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया है, आई डू नॉट रिमेंबर इट क्लियरली, कि मुझे अच्छी तरह से तो कुछ याद नहीं है, बट प्रोबेबली कपल ऑफ वीक्स अर्लियर, कि मैं वहाँ पे अच्छी तरह से मुझे याद नहीं कब गया था, बट शायद 2 हफ्ते पहले मैं वहाँ पे गया था। एंड अब एक और चीज़ को ध्यान में रखना, कि जब भी हम क्यू कार्ड करते हैं सबसे पहले तो ट्राई करना कि जो ये क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, ये क्वेश्चंस का आंसर दो पहले, उसके बाद अपनी स्टोरी को बिल्ट करो, वो ज़्यादा ईजी है। अगर आप सीधा बता दो कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू विजिटेड, आई विजिटेड 2 days ago, एंड उसके बाद क्या करोगे। सो अच्छे से पहले फ्रेम करो आंसर को, जो क्वेश्चन दिया है उसे अच्छे से फ्रेम करो उसका आंसर, एंड उसके बाद अपनी स्टोरी को बिल्ड करो। एंड उसके बाद मैंने बता दिया कि मैं 2 weeks earlier या कपल ऑफ वीक्स अर्लियर वहाँ पे विजिट किया, एंड मैं क्यों गया था वहाँ पे, वो भी मैं यहाँ पे बता दूँगा, टू बोरो सम बुक्स रिलेटेड टू माई स्टडी, बिकॉज आई हैव अ पास विद विच आई ईजिली बोरो बुक्स फ्रॉम अ फॉर अ वीक, कि मैं वहाँ पर बुक्स बोरो करने के लिए गया था जो कि मेरे स्टडी के रिलेटेड थी या जो स्टडी के रिलेटेड हैं, उन्हें बोरो करने गया था, क्योंकि मेरे पास पास है जिसकी हेल्प से मैं वहाँ से बुक्स ईजिली बोरो कर सकता हूँ 1 week के लिए, 7 days के लिए। ऑलराइट, ये आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि मैं वहाँ पे गया क्यों था, मैंने बुक्स बोरो करनी थी वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे गया था क्योंकि मेरे पास वहाँ पे पास है। ऑलराइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टॉक अबाउट द फैसिलिटीज़, कि फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करो कि कौन कौन सी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, नो डाउट इट वॉज कंस्ट्रक्टेड मैनी ईयर्स एगो, कि काफ़ी टाइम या काफ़ी साल पहले बिल्ट किया गया था वो, बट द रेनोवेशन ऑन एनुअल बेसिस हैज़ मेंटेन्ड इट, कि वो लाइब्रेरी काफ़ी साल पहले बनाई गई थी, 50-60 साल पहले बनाई गई थी, जो मैंने पहले मेंशन कर दिया है, बट रेनोवेशन मतलब कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो वहाँ पे जाते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं, सही करते हैं, जिस एनुअल बेसिस पे करते हैं, मतलब कि हर साल उसे रेनोवेट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, जिसके कारण वो एकदम मेंटेन्ड है, वो लाइब्रेरी एकदम अच्छे से मेंटेन्ड है। फाइन, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा फैसिलिटीज़। वन कैन बोरो बुक्स, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए, आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में ही ट्राई करना कि अपनी लैंग्वेज में आप इसे बोलो, सो दैट कि आपको भी पता लगे कि आप किस तरह से अपने आप अपने आइडियाज़ रिप्रेजेंट करते हो एग्जामिनर के सामने। एक यहाँ पे फैसिलिटी मैंने बता दिया है कि बंदा वहाँ से बोरो कर सकता है बुक, जैसे कि मैंने की थी पिछले आंसर में, मैंने बताया है। इंटरनेट फैसिलिटी है वहाँ पे, वेल मेंटेन्ड फर्नीचर है वहाँ पे, चेयर्स टेबल्स जो भी हैं वो अच्छे से मेंटेन्ड हैं, साइलेंट एम्बियंस है, शांति है वहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, कोऑपरेटिव लाइब्रेरियन है वहाँ पे, जो उसका लाइब्रेरियन है, चाहे वो जो रिसेप्शन पे होता है वो बंदा, वो कोऑपरेटिव बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर देता है, ईजीली आप बुक्स ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसमें और आइडियाज़ ऐड करने हैं तो आप इसमें बता सकते हो कि जो बुक्स हैं अच्छे से अरेंज्ड हैं, वहाँ पे अलमीराज वगैरह हैं, जहाँ पे बुक्स जो काफ़ी एंशियंट टाइम की बुक्स है उसे अच्छे से उन्होंने वहाँ पे रखा है, सो दैट कि कोई भी ऐसे प्रॉब्लम ना आए, कि जैसे डस्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने वहाँ उन बुक्स को वहाँ पर अच्छे से मेनटेन करके रखा है, मतलब कि वहाँ का जो इनर फैसिलिटीज़ है वो अच्छे से अच्छी हैं वहाँ पर। तो ये ऐसे पॉइंट्स भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो, आप बता सकते हो वहाँ पे हर एक जो शेल्फ़ बनी हुई है वहाँ पे, उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया गया है वहाँ पे कि कौन सी बुक किस रिलेटेड है, जैसे इंसाइक्लोपीडियाज़ की बुक एक साइड है, जो स्टडी के रिलेटेड हैं, जैसे कि अपने साइंस के रिलेटेड है, वो अलग उसमें शेल्फ़ पे है, सो आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो, बट जितना मैंने बताया ये सफिशियंट है, आपका इसी में टाइम आप कंप्लीट कर लोगे, अपने 2 और 3 मिनट्स आपके हो जाएंगे। फाइन, उसके बाद लास्ट थिंग जो आपका क्यू कार्ड को काफ़ी इम्प्रेसिव लुक देती है वो है उसका कंक्लूड करना, उसे आप कंक्लूड कर दो लास्ट में, कि बता दो, टू सील दिस आई वुड से दिस इज़ द लाइब्रेरी वेयर आई विजिटेड एंड विल कंटिन्यू माय विजिट, कि मैं इस क्यू कार्ड को ख़त्म कर रहा हूँ एंड मैं बताना चाहता हूँ कि ये थी वो लाइब्रेरी जहाँ पर मैं विजिटेड किया था, एंड मैं वहाँ पर कंटिन्यू रखूँगा अपनी विजिट, मैं नेक्स्ट मतलब आने वाले टाइम में वहाँ पर कंटिन्यूसली विजिट करता ही रहूँगा। इससे क्या होगा कि अगर एग्ज़ामिनर को आप इस तरह प्रेजेंट करते हो, उसे भी लगेगा बंदे को कि हाँ यार इसने अपने आइडियाज़ कंप्लीट कर दिए हैं, फाइन। अगर आप ऐसे चुप हो जाओगे या बस ये बोल दिया आपने कि वहाँ का जो लाइब्रेरियन है कोऑपरेटिव है, बस उसके बाद चुप हो गए, तो लगेगा कि शायद बंदा और बोलेगा, इससे आपके बैन डिटेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो ट्राई करना, कोई भी क्यू कार्ड हो उसे समअप ज़रूर कर देना। एंड फाइनली ये हैं आपके बोनस पॉइंट्स, आप लाइब्रेरी को बोल सकते हो बुक रूम, बुक्स रूम बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन सेंटर बोल सकते हो, प्रिंटेड बुक्स सेंटर बोल सकते हो, या कार्बन बुक्स सेंटर, ये आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो लाइब्रेरी की जगह, या आप वहाँ पे आप इसे रिप्लेस कर सकते हो इन वर्ड्स के ऊपर। ऑलराइट, होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सो दैट उन्हें भी आइडियाज़ मिलें और उनके आइडियाज़ इम्प्रूव हो सकें, एंड मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोज़ कंटिन्यूसली अपलोड करता रहूँ। ऑलराइट, थैंक यू गाइज़।